नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से विश्व स्तरीय उत्पाद विकसित करने के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मिलाजुला उपयोग करने को कहा। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, आगामी महीनों में ऋण वृद्धि दर तेज होने की संभावना। प्रधानमंत्री कल वाराणसी में 30 विकासात्मक परियोजनाएं देश को समर्पित करेंगे। भारत ने जम्मू कश्मीर के मामले में तुर्की के राष्ट्रपति की टिप्पणी खारिज की, उनसे भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने को कहा। जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। और भावना जाट ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैज्ञानिकों को 5G कनेक्टिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए किफायती और टिकाऊ बैटरियों की आवश्यकता है। नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्तरीय उत्पाद विकसित करने के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मिलाजुला उपयोग करना चाहिए। उन्होंने नवाचार के वाणिज्यीकरण के महत्व का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल लैब विकसित करने के महत्व पर बल दिया ताकि विद्यार्थियों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाया जा सके। वैज्ञानिकों से भारत की आकांक्षी जरूरतों के लिए काम करने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को कृषि उत्पादों तथा जल संरक्षण पर ध्यान देते हुए कुपोषण जैसे वर्तमान सामाजिक मुद्दों पर काम करना चाहिए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने परिषद के कार्यों की सराहना की और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के सुझाव दिए। प्रधानमंत्री एक दिन के दौरे पर कल अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। वे एक सार्वजनिक समारोह में 30 से अधिक परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 430 बिस्तर वाला सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 74 बिस्तर वाला मनोरोगी अस्पताल शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनकी 63 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये देश में दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा है। श्री मोदी वीडियो लिंक के जरिए IRCTC की महाकाल एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी 3 ज्योतिर्लिंग तीर्थस्थलों वाराणसी, उज्जैन और ओमकारेश्वर को जोड़ेगी। प्रधानमंत्री श्री जगतगुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री वीर शैवम शैव संप्रदाय की श्री सिद्धांत शिखामणि पुस्तक का भी लोकार्पण करेंगे। वीर शैवम शैव संप्रदाय की एक शाखा है। श्री सिद्धांत शिखामणि पुस्तक इस संप्रदाय की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है, जिसमें जगतगुरु रेणुकाचार्य भगवत पद की शिक्षाओं का संकलन है। जंगमबाड़ी मठ के नाम से मशहूर गुरुकुल के मैनेजर R.K. स्वामी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा, वीर शैव बांधवों का जो सिद्धांत शिखामणि जो ग्रंथ है उसका 19 भाषा में अनावरण होगा और सिद्धांत शिखामणि है मोबाइल ऐप द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में रिजर्व बैंक के निदेशकों के केंद्रीय बोर्ड के बजट के साथ बजट उपरांत बैठक की। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों से कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने की निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान बैंकों के विलय के मुद्दे पर विचार विमर्श नहीं किया गया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आगामी महीनों में ऋण वृद्धि दर तेज होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त नकदी से मौद्रिक नीति को अनुकूल बनाने में मदद मिल रही है। श्री दास ने कहा कि प्रमुख दरों में कटौती का संप्रेक्षण धीरे धीरे और स्थिर रूप से सुधर रहा है तथा भविष्य में इसमें और सुधार आने की संभावना है। The transmission of the rate cut has been steadily improving. In the December MPC when we met, the transmission to fresh rupee loans was in the order of about 49 basis points. In this monetary policy, we have said that the transmission of the rate cut has improved 69 basis points.
श्री दास ने कहा कि अगले वर्ष के लिए 6% की वृद्धि का अनुमान है जो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुरूप है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने फिर स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर उसका आंतरिक मामला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने तुर्की के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की संयुक्त घोषणा में जम्मू कश्मीर का उल्लेख किए जाने पर पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में कहा कि तुर्की को भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति से कहा कि उन्हें कुछ भी कहने से पहले तथ्यों को समुचित ढंग से समझ लेना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि तुर्की को भारत तथा इस क्षेत्र में पाकिस्तान से पनपने वाले आतंकवाद के गंभीर खतरे को भी पहचानना चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में आज तड़के पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जबरदस्त गोलीबारी की और गोले दागे। रक्षा सूत्रों ने आकाशवाणी को बताया कि तड़के 4 बजे करुल गांव की सीमा पर शुरू हुई गोलाबारी और गोलीबारी 2 घंटे तक जारी रही। भारतीय सेना ने भी इसका माकूल जवाब दिया। पाकिस्तानी गोलाबारी में कुछ घर नष्ट हो गए लेकिन जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस बीच गोलाबारी से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए टीम मौके पर भेज दी गई है। पूर्व लोक सेवक और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट JKPM के प्रमुख डॉ शाह फैसल पर जन सुरक्षा अधिनियम PSA लगा दिया गया है। फैसल 7वें कश्मीरी नेता हैं जिन पर PSA लगाया गया है। इस अधिनियम के तहत बगैर किसी सुनवाई के 3 महीने से 2 साल तक की हिरासत में रखने का प्रावधान है। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को इसी अधिनियम के तहत हिरासत में रखा गया है। फैसल ने पिछले वर्ष पीपल्स मूवमेंट के नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी। उन्हें अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 1 सप्ताह बाद 14 अगस्त को दिल्ली हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें श्रीनगर भेजा गया और उसी समय से वे हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर में अप्रैल में आयोजित होने वाले पहले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2020 की तैयारी के अंतर्गत देश के बड़े शहरों में 17 फरवरी से रोड शो का कार्यक्रम है। इसी सिलसिले में बंगलुरू और कोलकाता में 17 मार्च को, मुंबई में 21 मार्च को, हैदराबाद में 2 मार्च को, चेन्नई में 5 मार्च को और अहमदाबाद में 9 मार्च को रोड शो किए जाएंगे। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो की भी योजना है। मार्च में श्रीनगर और जम्मू में मिनी सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाएगा। इस सम्मेलन के सफल क्रियान्वयन और समापन के लिए गठित शीर्ष समिति के प्रमुख और प्रदेश के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यन ने इस संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि शिखर सम्मेलन के आयोजन से प्रदेश को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने का एक नया दौर शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज कुछ राज्यों में अपने नए पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सांसद विष्णु दत्त शर्मा को मध्य प्रदेश का, के सुरेंद्रन को केरल का और दल बहादुर चौहान को सिक्किम का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इसमें 30 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। 10वीं की परीक्षा 20 मार्च और 12वीं की परीक्षा 30 मार्च को संपन्न होगी। 12 लाख से अधिक विद्यार्थी 12वीं की जबकि 18 लाख से अधिक विद्यार्थी 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस साल युवाओं के बीच खेल को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड ने ऐसे छात्र जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं के लिए परीक्षा की तिथि का पुनर्निर्धारण जैसी अन्य सुविधाएं भी घोषित की हैं। गत वर्ष शहीद हुए सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के जवानों के बच्चों की भी परीक्षा केंद्र और तिथि में परिवर्तन हेतु प्रावधान बनाए गए हैं। इस साल CBSE के एडमिट कार्ड में QR कोड भी देखा जा सकता है। इसी के साथ परीक्षा लैब और परीक्षार्थियों की फोटो टैगिंग के लिए एकीकृत पोर्टल का भी उपयोग किया जा रहा है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए उन्हें किसी भी तनाव से दूर रहने की सलाह दी थी। एग्जाम का प्रेशर नहीं होना चाहिए, डरना ही नहीं चाहिए, खुद को कसते रहना चाहिए कि हम किसी भी हालत में डगर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। एक बार विफल होंगे तो उसमें से सीखेंगे, दूसरी बार करेंगे। ये मिजाज तो विद्यार्थी के जीवन में होना चाहिए। जिंदगी जीने का यही उत्तम मार्ग है, नया नया सीखना, नया नया जानना, नया नया पहचानना। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair हिंदी पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत की भावना जाट ने इस वर्ष ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने आज झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 20 किलोमीटर पैदल चाल में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान के इस खिलाड़ी ने 1:29.54 का समय लिया। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का निर्धारित समय 1:31 है। इस वर्ष के ओलंपिक खेल 24 जुलाई से 9 अगस्त तक जापान के टोक्यो में होंगे। और अब प्रस्तुत है एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक और उज्जवल उदाहरण। आकाशवाणी पर एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की श्रृंखला का उद्देश्य भारत की विविधता में एकता की अनूठी परंपरा और राष्ट्रीय अखंडता की भावना को बढ़ावा देना है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हरियाणा को तेलंगाना से जोड़ा गया है। तेलंगाना के लोगों को हरियाणा की संस्कृति, खानपान और ऐतिहासिक धरोहरों से परिचित कराया जा रहा है। हमारे चंडीगढ़ संवाददाता ने तेलंगाना के आशीष से बात की। हम काफी जगह घूमे, पंचकूला, आसपास अम्बाला में, हरियाणा का जो रोटी में देसी घी लगाते हैं प्यार से, वो हरियाणा का चार होता है, काफी लजीज होता है। हैदराबाद और हरियाणा में का थोड़ा बहुत अंतर है, मगर इजी इंटरेक्शन होने को होता है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, मगर हरियाणा हमें बहुत अच्छा लग रहा है। देश भर के शिल्पकार, कलाकार और पाक कला विशेषज्ञ दिल्ली में 20वें हुनर हाट में भाग ले रहे हैं। हुनर हाट 23 फरवरी को संपन्न होगा। इंडिया गेट के पास इसके लिए लगभग 250 स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें हाथ से बने अनेक विशिष्ट उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी तथा आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बृहस्पतिवार को हुनर हाट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पिछले 3 वर्ष में हुनर हाट के जरिए महिलाओं सहित 3 लाख से अधिक दस्तकारों, शिल्पकारों और पाक कला विशेषज्ञों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। इस हुनर हाट में देश के लगभग सभी राज्यों के दस्तकार भी हैं, शिल्पकार भी हैं, कारीगर भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि जो हमारी सदियों पुरानी विरासत है, स्वदेशी विरासत, उस विरासत को हमें मजबूत भी करना है, उसे हमें फिर से ताकत देनी है ताकि वो दुनिया में अपना परचम फहरा सके। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि देशभर के शिल्पकारों और हाथ से बने उत्पादों को प्रोत्साहन देने तथा उनको संरक्षण देने के लिए सरकार को मिशन मोड में काम करना चाहिए। इस वर्ष हुनर हाट का विषय है कौशल को काम। इस कार्यक्रम में रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से विश्व स्तरीय उत्पाद विकसित करने के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मिलाजुला उपयोग करने को कहा। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि आगामी महीनों में ऋण दिए जाने की गति के तेज होने की संभावना है। प्रधानमंत्री कल वाराणसी में 30 विकासात्मक परियोजनाएं देश को समर्पित करेंगे। भारत ने जम्मू कश्मीर के मामले में तुर्की के राष्ट्रपति की टिप्पणी खारिज की, उनसे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने को कहा। जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। और भावना जाट ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।